बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काला हिरन मामले में शाहबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने चेनारी थाना अध्यक्ष शंभु कुमार दो को बर्खास्त कर दिया है। ताजा मामला आपको बता दे कि 15 सितंबर 2023 का है, जहां चेनारी थाना अध्यक्ष जो संलिप्तता पाई गई थी काला हिरन मामले में, और उन्हें जो है 1 फरवरी 2024 को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि इस मांस लगे काला हिरन के सिंग में जो है उनका संलिप्तता पाई गई थी, इसी में वो कई दिनों से लगभग 15 सितंबर 2023 से वो जांच चल रही थी। जांच के दौरान जो है 1 फरवरी 2024 को जो है शाहबाद रेंज के डीआईजी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। वही डीआईजी नवीन चंद्र झा ने आज प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जो थाना अध्यक्ष शंभुराम दो हैं वो उनकी संलिप्तता थी काला हिरन मामले में, उन्हें आज बर्खास्त कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिया गया है। ये मामला जो चेनारी के तत्कालीन थाना अध्यक्ष शंभु कुमार टू से संबंधित है। 15 सितंबर और 16 सितंबर का ये मामला है जब काले हिरन का मांस और सींग बरामद किया गया था उनके द्वारा, लेकिन जिस व्यक्ति को वो थाने पे गिरफ्तार करके ले आए थे उसका नाम राजू बेग है, उसको अगले ही दिन उन्होंने पीआर बांड पे छोड़ दिया था। ये मामला काफ़ी चर्चित हुआ था और इसमें बाद में एसडीपीओ के द्वारा जांच कराई गई और उसमें अन्य अनियमितताएँ भी सामने आई, उनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया था और जो ये पूरा मामला था ये भ्रष्टाचार करने का था। इस मामले में उनको तुरंत निलंबित किया गया और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके उनको जो कल मेरे द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है, और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, साथ ही अपने पद के दुरुपयोग से संबंधित मामला है उसके संबंध में भी जीरो टॉलरेंस की नीति है हम लोगों की, उसी के तहत उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।